मेरे ससुर जी देखिए बितुल भैया का भरा भैया क्या लेके आ रहे हो पोर्क। ससुराल में आने से जो है हमारे ससुर जी हमारे ट्रेडिशन में है पूरा जमाई को जो है खिलाया पिलाया जाता है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम फ्रॉम मिजोरम सिलसुरी विलेज बांग्लादेश बॉर्डर दोस्तों। तो यहां से बांग्लादेश पूरा दिखाई देता है और अभी जो है मेरा बदन पूरा दर्द हो चुका है और यहां पे इतनी नेटवर्क की समस्या है। मेरा वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा। अभी जस्ट मैंने वीडियो एडिट किया कल रात को, बहुत थकान हुई थी इसलिए एडिट भी नहीं कर पाया था। तो अभी वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहा हूँ मैं और रागेम। ये देखो रागेम, गुड मॉर्निंग रागेम। इसे याद होगा दोस्तों, ये मेरे साथ मतलब हमारे घर पे गए थे पापा लोगों के साथ ना, आज से दो तीन महीने पहले गए थे। और वीडियो अपलोड करने के लिए पता नहीं कहाँ पे जाना पड़ेगा हमें, कहाँ कौन सा वाला गाड़ी, वो वाला गाड़ी का ऊपर जाना पड़ेगा भाई नेटवर्क की तलाश में। तो अभी पहले वीडियो को अपलोड करते हैं, उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर से घर से सबसे आप लोगों को जो है इंट्रोड्यूस कराऊंगा। पूरा कमर दर्द दे रहा है यार। तो फाइनली दोस्तों मेरा वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है। यहाँ पे सीरी पे मैं चढ़ के वीडियो अपलोड किया। सबसे पहले मैं वहाँ गाड़ी के ऊपर गया लेकिन वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था उसके ऊपर में, तो इसलिए मैंने वहाँ पे गया तो थोड़ा बहुत जल्दी हो चुका है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी हो जाएगा, बट हो गया। मतलब जल्दी बोलने से भी देर घंटा तो लग ही गया, बट हमारे हिसाब से जल्दी होता है वो देर घंटा भी हमारे लिए 3 GB वाला वीडियो अपलोड होने में। तो अभी थोड़ा फ्रेशअप हो लेता हूँ, पूरा बॉडी पेन हो रहा है मेरा। फ्रेशअप होने के बाद रेस्ट लेना पड़ेगा आज थोड़ा सा। फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगा, घर वगैरह दिखाऊंगा, आज शायद गाँव नहीं घूम पाऊंगा, आज बहुत थकान हो रही है। जैसे ही वीडियो अपलोड हुआ दोस्तों उसके बाद मैं आ गया सोने के लिए, तो लगभग 3 घंटा तक मैं सोया। भाई साहब इतनी थकान हुई ना क्या ही बताऊं। अभी जाके थोड़ा सा नींद पूरा हुआ, बॉडी तो अभी पेन अभी भी है, बट कोई बात नहीं, अभी खाना वाना खाना पड़ेगा, भूख लग रहा है। और मिजोरम में आने के बाद जो है पूरा बारिश हो रही थी, आज पहली बार धूप दिया, मज़ा आ रहा है। ये देखो पूरा क्लियर धूप देने से इतना क्लियर नज़ारा, मज़ा आ जाता है। सिविल ये देखो जेरी के दीदी का बेटा और ये हम लोग का सदर हमारे साली साहिब का बेटा। देखो खाना खा लिया पतियोस? अच्छा। और हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैं जेरी का जो होम टूर है वो पूरा दिखा दूं, लेकिन वो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा। आप लोग जेरी के ब्लॉग पे जाके चेक कर लेना, उसने जो है पूरा दिखा दिया अपना घर का होम टूर। वैसे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, यही है उनका घर। तो यहाँ पे टीवी सिटिंग रूम है और यहाँ पे देखो सब लोग बैठे हुए हैं, सभी नारिया नारी शक्ति। और ये सदर का गाड़ी, वाह सदर, वो देखो सदर का गाड़ी ना गाड़ी भुं भुं। यहाँ पे सभी नारी, हाँ हम दोनों खाना है ना, सभी लोगों ने खा लिया। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ के जितने भी मिजोरम के घर है ना दोस्तों, वो जो है खाई में बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है प्लेन एरिया नहीं है, तो उस कारण खाई में बनाना पड़ता है। ये देखो जेरी लोग का घर, यहाँ से पूरा यहाँ पे पानी। और लोग का जो है मछली पालने के लिए पोंड भी बनाया हुआ है, जब हम लोग आए थे ना उसी टाइम पे इसको खोदा गया था, आज से 3 साल पहले। तो अभी आप लोग को दिखाता हूँ इसके नीचे का नजारा। ये देखो यहाँ पे एक रास्ता है इधर से, ओरी पावा। अभी नीचे जाके देख लेते हैं, ये जो है किचन एरिया है, ऊपर में भी एक फ्लोर ऊपर में वहाँ पे रहते हैं और इधर पे खाना वाना पकाते हैं। ये देखो यहाँ पे जो है आपका ट्रेडिशनल चूल्हा और यहाँ पे गैस सिलेंडर वगैरह सब कुछ, बर्तन वगैरह यहाँ पे रखते हैं। और जेरी मेरे लिए कुछ चटनी वट्टी बना रही है, यहाँ का लोकल फ्रूट जो मैं कल खरीद के लेके आया था। ये देखो गुटगुट्टे की चटनी खाएंगे आज हम लोग, पूरा ज्यादा पक गया। हाँ। इसलिए मैं इसे निकाल रही हूं। अच्छा तो ये जो गुगुट्टे है ये जंगली फ्रूट है दोस्तों, स्पेशली मिजोरम में बहुत पाया जाता है और हमारे जो कम्युनिटी के लोगों में है बहुत फेमस है, बहुत खाया जाता है। तो हम लोग यहाँ से जो है सीड वगैरह भी लेके जाएंगे। ये देखो इसमें 3 जो है सीड होता है इसके अंदर में, तो अभी खा के दिखाता हूँ आप लोग को। वाह मजा आ गया, थोड़ा खट्टा है थोड़ा बहुत मीठा है, तो बढ़िया है कॉम्बिनेशन। यहाँ पे गुगुट्टे जो है रेडी हो चुका है और यहाँ पे मिर्च की चटनी। भाई साहब मैं जो है सिदोल नहीं खाता हूँ, बट आज खाना पड़ेगा मुझे, कोई उपाय नहीं है, आज से सिदोल खाना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। तो अभी खाते हैं, इसे मिक्स कर लेता हूँ। रेडी हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे मिर्च भी मिक्स कर दिया और क्या ही टेस्टी हुआ। ये देखो गुगुट्टे हलवा इज द बेस्ट। यहाँ पे सब्जियाँ रेडी है तो अभी करते हैं। वाओ थैंक यू सदर, थैंक यू। चुटकू वाला दे दिया, चुटा है तो चुटा ही देगा ना। अभी साली साहिबा ये तो बड़े वाले लाएंगे ना।
हमने अपना जो है लंच भी कर लिया दोस्तों। और यहाँ पे देखो तीनों बहनों को पूरा खेल रहे हैं लूडो। वाह, लूडो ना स्नैक स्नैक खेल रहे हैं, स्नैक सीरी, सांप सीरी। और यहाँ पे सदर सो गया देखो। अभी दोस्तों थोड़ा सा बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। गर्मी इतनी है ना, चश्मा लगाना पड़ा, काला चश्मा। तो ये देखो बाहर का नजारा पूरा धूप के कारण। और ये देखो बाहर से जेरी लो का घर, यानी कि मेरा ससुराल। तो अभी जो है ये बहुत साल हो चुका है ये पुराना घर, लेकिन ये लोग का एक नया घर भी बन रहा है, तो वो भी आप लोग को दिखाता हूँ अभी। एक्चुअली जो है यहाँ के घरों की एक खासियत यह है कि पूरा खाई के नीचे में बनती है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है जमीन वगैरह मतलब घर बनाने के लिए। पूरा रोड यहाँ पे होती है, रोड के किनारे पे जो है बनाया जाता है। तो हमारे जैसे हमारे घर होते हैं वो इलाके में काफी बड़े होते हैं, लेकिन वैसे नहीं होते यहाँ पे। तो भाई रिस्क भी लगता है मुझे, अगर यहाँ पे कोई सो रहा होगा रात को, कोई भगवान ना करे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ पे ठोकर लग गया तो खत्म भाई, ये डर रहता है हमेशा। बट कभी ऐसा बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि ऐसा, क्योंकि यहाँ के जो ड्राइवर होते हैं भाई गजब, एकदम A1, 10 out of 10 स्टार दूंगा यहाँ के ड्राइवर लोग को, बहुत ही परफेक्टली ड्राइव करते हैं। हमारे उधर के अगर वो लोग को इधर पे लाया जाएगा ना, वो लोग गाड़ी कहीं पे फंसा देंगे। कल जैसा रास्ता था ना भाई, यहाँ का ड्राइवर को मानना पड़ेगा, बहुत बढ़िया से लेके आया। तो अभी जेरी लोग का जो मतलब, अभी जेरी का तो नहीं होगा वो, तो अभी हमारा जो घर है उसे ही हमारा घर कहेगी। तो जेरी के पिताजी लोग का घर अभी दिखा देता हूँ जो नया वाला बन रहा है। ये देखो पूरा पहाड़ है, एक्चुअली ये सारी चीज़ें पहाड़ है। तो ये जो जितनी भी गाड़ियाँ वगैरह देख रही है ये एक्चुअली एक कंपनी है। तो यहाँ पे जो है रोड वगैरह बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, कंपनियाँ मतलब छोटे मोटे कंपनियाँ, तो वही कंपनियों वाले गाड़ियाँ हैं। तो जेरी के पापा ने जो है पूरा ये भाड़े पे दिया ये वाला जमीन, तो उसको वहाँ से कुछ पैसे मिल जाते हैं। और ये देखो ये जो घर है ये जो नया बन रहा है अभी हमारे जो ससुर जी का है, ये नया घर बन रहा है बिल्कुल। यहाँ पे जब शिफ्ट हो जाएंगे तो बढ़िया एकदम मजा आ जाएगा। और पूरा कपड़े ही कपड़े आने के साथ साथ सुबह सुबह जो है जेरी ने कपड़े धो दिए। ये देखो हमारे कपड़े पूरा लाइन, अरे सूख गए यार, इतना जल्दी सूख गए हमारे कपड़े। तो ये वाला जब घर बन जाएगा अच्छे से, उसके बाद आएंगे हम लोग फिर से घूमने के लिए। अभी तो नहीं आएंगे, और 3-4 साल बाद ही आएंगे अभी, क्योंकि बहुत तकलीफ है यहाँ पे आने से। और वहाँ पे मौसी जी लोग का घर, वो देखो मौसी नहा रही है उधर में। और यहाँ पे एक और दीदी का घर है, ये जेरी का ही दीदी है। तो यहाँ पे वो लोग का घर पे भी जाऊँगा अभी, फिलहाल मम्मी लोग वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं मतलब दीदी लोग का घर पे। यहाँ पे जो है ऐसे सीमेंटेड पक्का घर बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी मतलब सामान वगैरह लाने के लिए ना इतना तकलीफ है, रॉड वगैरह सीमेंट जो भी है ना सब आइजोल से लाना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पिताजी का जो है कंपनी लोग के साथ थोड़ा सा कॉन्टेक्ट है बोल के थोड़ा सा आसानी हो रहा है उसको सीमेंट वगैरह और ये पत्थर वगैरह लाने के लिए। और यहाँ से भी देखो घर का नज़ारा भाई क्या ही गजब है ना। वहाँ पे भी एक घर बन रहा है देखो, पूरा जंगल जंगल लग रहा होगा ना दोस्तों। तो मेन जो गांव है वो उस वाले रास्ते से होके जाती है, जो कि मैं आज तो दिखा नहीं पाऊंगा, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा। लेकिन कल पूरा गांव दिखाऊंगा आप लोग को, और बांग्लादेश भी दिखाऊंगा मैं आप लोग को कल, यहाँ से पूरा बांग्लादेश भी दिखाई देता है। डर रहा है मुझसे ये। ये जो है दीदी लोग का घर है, अभी अंदर में मम्मी लोग रेस्ट कर रहे हैं। मत डरो, आई एम अ डॉग लवर यू नो। गुड गर्ल, गुड गर्ल, यू आर ए गुड, नो मत डरो, ठीक है। गुड गर्ल, गुड गर्ल, गुड गर्ल। देखते ही देखते मौसम भी बिगड़ रहा है दोस्तों, काले काले बादल छाए हुए हैं। अभी देखते हैं, मेरे हिसाब से बारिश नहीं आने से सही होगा यार। आई लव धूप, चाहे जितनी भी गर्मी हो, बट आई लव धूप। बारिश अचानक से आ गया, सौ फरवरी में लग गए कपड़े लाने के लिए भाई, अचानक से आ गया पूरा। अरे फिर चला गया बारिश, फिर आ रहा है बारिश पूरा। ये देखो अभी तक बितुल भैया से नहीं मिलाया था मेरे ससुर जी, देखिए बितुल भैया का बड़ा भैया, क्या लेके आ रहे हो? पोर्क। ओ पोर्क लेके आ रहे, देखो बारिश आ रहा है, अंदर चलो अंदर अंदर। जुतुआ, अरे नहीं सूखा ना जुतुआ। उरी बाबा, देखते ही देखते बारिश, देखिए दोस्तों देखते ही देखते फिर से धूप शुरू हो चुकी है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए पोर्क पूरा, भैया लोगों ने अभी अभी पोर्क खाता है, और अभी ये लोग जो है लेके जाएंगे दूसरे गांव पूरा बुक के। यहाँ पे देखिए मतलब कैरी करके इतना दूर दूर ले जा पाते हैं, हमसे तो नहीं हो पाएगा भाई। यहाँ से लगभग पता नहीं कितना किलोमीटर होगा, कल के वीडियो में दिखा होगा एक जो एंट्री किया था हम लोगों ने गांव, वहां तक जाना पड़ेगा इन लोग को बहुत दूर। बट यहाँ के लोग एक्सपर्ट है, और यहाँ पे पापा जो है कुछ पोर्क खरीद के रखा था, उसकी साफ सफाई कर रही है देखो।
पॉर्क, ये तो पॉर्क का हेड है। अच्छा हाँ, देखिए दोस्तों इतना भारी अभी उठा के लेके जाना पड़ेगा। एक्सपीरियंस है यहाँ के लोगों में अलग सा। एक्चुअली यहाँ पे जो है खेती बाड़ी भी करते हैं ना लोग, तो उसमें जो आपकी धान की खेती, चावल की खेती होती है वो पूरा पीछे में लाद के लेके जाते हैं एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे, तो पहाड़ों वाले लोगों में अलग सा स्ट्रेंथ होता है। कटाई बिल्कुल कसाई लग रहे हो। ओ भाई साहब यहाँ पे देखो जेरी को पूरा अपने दीदी का ड्रेस, जितना भी ट्रेडिशनल ड्रेस है सब लगा के देख रही। इधर देखो जरा, वाह एकदम नागिन। हाँ पूरा ये देखो असली में नागिन जैसा है, ये देख सकते हैं इधर में डिजाइन, बट जच रही हो दीदी ने खुद। अच्छा इतना एक्सपर्ट है, बाप रे अभी से लूटना शुरू आते ही। नहीं खरीद के लेके जाऊंगी। अच्छा फिर से देखो दूसरा वाला बॉय, तो पूरा कलरफुल है रे। ये है हम लोग का मेन ट्रेडिशनल। हाँ बाप रे कितना कलेक्शन है देखो यहाँ पे, वाह लाखों रुपए का कलेक्शन है। ये सब बहुत महंगे होते हैं, कोई अगर लूटने आएगा तो यहाँ से लूट के ले जाना, पैसा लूटने की जरूरत नहीं है, दीदी को पूरा लूट के ले जाना। ये बहुत बढ़िया हुआ है ना। हाँ देखो ना क्या डिजाइनिंग है, वाह ट्रेडिशनल ड्रेस। ये देखो जेरी को पूरा लड़का वाला ट्रेडिशनल ड्रेस ट्राई कर रही है अभी। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, प्रीति जो है मेरा पायल मांग रही है। अभी देखो आपके लिए ये पसंद आ गई मुझे, तो ये मैं लेके जाऊंगी और पायल देखे जाऊंगी। ये देखिए दोस्तों अभी मैंने भी लगाया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टाइट है एकदम। ये देखो कुछ ज्यादा ही टाइट है। ये दीदी बड़े बेटा का है। अच्छा दीदी का एक ही बेटा है बस, उसका है। अभी शाम के 4 बजे है एंड मैं नहा धो के फ्रेश हो चुका हूँ और सेम ड्रेस लगाया है मैंने, क्योंकि गंदा नहीं हुआ था एंड ये बहुत ही कूल है, मतलब ठंडा ठंडा कूल। और यहाँ पे देखो दोनों भाइयों को। ये है सिविल जो कि मतलब मिडिल वाली दीदी का सबसे छोटा बेटा, और ये सबसे छोटी छाली साहिबा का बेटा, सबसे बड़ा बेटा। सोडर एंड सिविल दोनों का सौ से नाम होता है। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा अंकल के वहाँ पे, अंकल बुला रहा है घूमने के लिए। एक्चुअली अंकल का अगर वो देखो उस पहाड़ी के ऊपर में है तो वहाँ पे जाऊँगा, मम्मी लोग ऑलरेडी जा चुके हैं तो अभी जाता हूँ वहाँ पे, थोड़ा बहुत घूम लेता हूँ। एक्चुअली आज पूरा गांव का नज़ारा नहीं दिखा पाऊँगा मैं, तो कल ही मैं दिखा पाऊँगा आप लोग को पूरा गाँव का नज़ारा, मैं कल दिखाऊँगा। और यहाँ पे एक तो और अंकल है, ये देखिए ये अंकल को, ये जो है हमारे जो सिविल का दादाजी है। ये देखो वहाँ पे जीजा काम कर रहे हैं, जीजा से भी इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। कैसा है अंकल, ठीक है। हाँ अभी दिखा देता हूँ मैं हमारे जीजा जी को। हेलो जीजा जी। हाँ ये देखो हमारे हीरो जीजा जी काम कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हो। एक्चुअली जो है यहाँ पे लकड़ियों की बहुत कमी है, तो थोड़ा बहुत जो भी मिलता है उससे काम चलाना पड़ता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों एक छोटा सा घर, एक्चुअली ये जो है बकरी पालने वाला है, यहाँ पे बकरी पालते हैं हमारे पिताजी लोग। और यहाँ पे जो है सुअर बोले या आप गावरी भी बोल सकते हो आसामीस में, सुअर पालते हैं। देखो अरे अरे कहाँ आ रहे हो भाई, ये खाने के लिए मैं कुछ देने आया हूँ सोचा। ये देखो वहाँ पे बकरियाँ रहते हैं, यहाँ पे सुअर रहते हैं, और वहाँ पे रहते हैं मछली, यहाँ पे इंसान। क्या कॉम्बिनेशन है यार। तो अभी चलते हैं, यहाँ के रास्ते थोड़े बहुत खराब है, ये देख सकते हैं कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश आने पर पूरा खराब हो जाता है। और यहाँ पे पड़ोसी लोगों का घर देख सकते हैं, यहाँ के जो जुम्मा घर है कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। तो अभी इसकी चढ़ाई करके अंकल के घर पे चले जाते हैं। ये देखो काफी ऊंचाई पर है, ऐसे ऊंचाई पर अगर घर बनते हैं ना तो काफी मतलब अच्छा लगता है, हवाएं बहुत तेज आती है यहाँ पे, एक एडवांटेज है हवा आने का। लेकिन बारिश में पूरा रास्ता खराब होते रहता है, देख सकते हो पूरा गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रहा अंकल लोगों का घर, अभी जाते हैं अंदर। वाह यहाँ पे डॉग भी है, यहाँ पे मम्मी लोग ऑलरेडी एंजॉय कर रहे हैं चाय पानी, वाह टीवी चल रहा है, चाय पानी चल रहा है। ये देखो मेरे पीछे कौन आ गया, देखो सदर आ गया, सिविल आ गया, सब पहुंच गए। यहाँ के बच्चे भी मतलब एक्सपर्ट है पहाड़ की चढ़ाई वराई करने में, हमारे उधर पे तो नहीं चढ़ पाते इतनी ऊंचाई पर। और सभी लोग बैठ के हम लोग यहाँ पे गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं। चाय भी पिया यहाँ पे आके और टीवी देख रहे हैं सभी लोग।
यहाँ अंकल के घर पे भी काफी देर तक गप्पे सप्पे लड़ा लिया, अभी बिल्कुल शाम होने को चला है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक घर था उसमें आग जल गया था, तो दादाजी भी पूरा जल गए थे। उसमें मेरा एक पुराना ब्लॉग है, उसमें आप लोग देख पाओगे, बहुत आज से 3 साल पहले का पुराना ब्लॉग में दादाजी अभी नहीं रहे, बहुत मिस कर रहा हूँ। जब भी आता था वो मुझसे, वो इतना मतलब पढ़ा लिखे बहुत थे वो, तो हिंदी में इंग्लिश में बात करते थे मुझसे, तो बहुत मिस कर रहा हूँ उसे। और दादाजी है लेकिन वो फिलहाल अभी दूसरे गाँव पर गई हुई है, कल तक वापस आ जाएगी तो इंट्रोड्यूस करा दूंगा मैं। यहाँ से देखो नज़ारा, वहाँ पे पापा का घर और यहाँ पे हमारे रागेम लोगों का घर और यहाँ पे पड़ोसी। तो ज़्यादा घर वगैरह नहीं है इसमें, तो पड़ोसी कुछ 4-5 तो ही घर है बस। अभी मैं घर पहुँच गया और जेरी को देखो किचन में क्या पका रही हो। ये क्या? मिदेबेगोल। अच्छा अच्छा, आज तो पूरा क्या क्या पका रही हो ना तुम, क्या क्या है आज का डिनर में? आज बेम्बू फोर्क है और ये पानी कुमरा के साथ दीदी ने भी पका दिया है पोर्क। अच्छा, ये देखो पानी कुमरा के साथ पोर्क बम्बू में पकाया ना पोर्क आज। हाँ, आज हम लोग का एकदम बढ़िया से डिनर होगा फैमिली के साथ। हाँ, आज पहला दिन है हाँ, ससुराल में। और तुम कैसा लग रहा है घर में, मतलब इतने सालों के बाद आई हो, अपने मम्मी पापा से मिल रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत ही खुश हूँ। खुश हो? हाँ, यहाँ पे ज्यादा दिन हम लोग रह नहीं पाएंगे क्योंकि नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, वीडियो अपलोड हाँ, करना भी मुश्किल है। एक वीडियो अपलोड करने में आज मुझे एक दिन लगा है फूल ना। हाँ, सुबह से लेकर पूरा शाम लगा है पूरा खतरनाक, कभी इधर कभी उधर, कभी पहाड़ पे जा रही हो कभी नीचे पे आ रही हो, इतना दिक्कत है ना। उस टाइम में ब्लॉग भी नहीं बना पाए, बहुत ही दुख भी दिया था। अभी दोस्तों मैं आया था जेरी का जो वीडियो है उसका टाइटल थंबनेल वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क मिलता है ये सीरी के ऊपर में, तो बाकी जगहों पे तो बिल्कुल नहीं मिलता है। तो अभी हो चुका है टाइटल थंबनेल लगा दिया जेरी का, अभी चले जाता हूँ घर। यहाँ देखो छोटा सा एक पुराना सा दुकान था, जब मैं जेरी से पहली बार मिलने के लिए आया था ना, यहाँ पे दुकान था। और अभी जो है इसको एक तरह से किचन जैसा बना दिया है, इसके अंदर में जो है ना ये पोर्क पका रही है जेरी, पूरा स्पेशल देखो बम्बू पोर्क पूरा मजा आएगा आज तो। पूरी थोड़ा सा घुमा देता हूँ, हाँ पूरा बॉयल हो रहा है ये। अभी बिल्कुल शाम हो चुके हैं दोस्तों, रास्ते पे बैठ के हम लोग पूरा गप्पे सप्पे लड़ा रहे हैं। देखो सभी लोग बैठ के, बच्चे बूढ़े सभी लोग, तो यहाँ पे जो है स्पेस बहुत कम होता है, तो रास्ते पे ही ये सब गप्पे सप्पे लड़ाना पड़ता है। देखो वैसे भी गाड़ी आना जाना काफी कम होती है, बाइक वगैरह भी, जब से आया मतलब वैसे बाइक वगैरह तो है लेकिन बारिश के कारण नहीं चला रहे अब। मतलब जब से आया हूँ मैं तब से एक भी बाइक चलाने वाला अभी तक दिखाई नहीं दिया, गाड़ी भी एक दो बार आना जाना हुई है। मतलब विंटर में काफी होती है बट अभी बारिश के टाइम पे बहुत कम। वहाँ पे देखो कंपनी वाला गाड़ी वो पानी वानी लेके जा रहे हैं। अभी बिल्कुल रात हो चुकी है दोस्तों और हम लोग का डिनर करने का टाइम आ चुका है। और आज जो है यहाँ पे, आज पहला दिन था, बहुत ही मजा आया ओवरऑल, तो कल जो है पूरा गांव दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो सभी लोग, रागेम भी यहाँ पे कर रहा है डिनर, दीदी मम्मी हमारी प्रीतिका जी, पापा मम्मी और जेरी, और मौसी जी यहाँ पे है लेकिन नहीं खाएगी बोल रहे। काहे नहीं खाओगे मौसी जी? खा लिया। अच्छा हिंदी नहीं आता? नहीं आता हिंदी, नहीं मालूम, नहीं मालूम बोली। हिंदी अम्लो, हिंदी अम्लो, शायदन एदन मैम, शायदन मैम, शायदन मैम, एदो थैंग, सुग्रा थैंग, एदो थैंग। मिजो लैंग्वेज सीख रहा हूँ अभी, पापा लोग के फैमिली को सबको आता है मिजो, तुमको भी आता है ना थोड़ा थोड़ा? ये पूरा मिजो, हाँ सबसे ज्यादा एक्सपर्ट पापा है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों इतना बड़ा हेड को काट कूट के पूरा बॉयल किया मम्मी ने। ये जो पोर्क का हेड है ना, सुअर का हेड, उसको भाई साहब ये है ट्राइबल खाना, पापा ने बॉयल, पापा का फेवरेट है, तो यहाँ के जो ट्राइबल पीपल लोग होते हैं ऐसे ही खाते हैं। तो पूरा हेड को काट कूट के बॉयल किया है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये देखो जेरी निकाल रही है, वाह ससुराल में आने का ये गिफ्ट मिला है मुझे, वाह ये देखिए दोस्तों बॉयल बॉयल मीठी मीठ है। ये देखो ससुराल में आने से जो है हमारे ससुर जी, हमारे ट्रेडिशन में है पूरा जमाई को जो है खिलाया पिलाया जाता है एकदम जी भर के, इसलिए हमारे ससुर जी ने जो है हमारे लिए स्पेशल बनवाया है ये वाला। हाँ। ससुराल में दोस्तों स्पेशल, पोर्क का है ससुराल में स्पेशल, जमाई के लिए स्पेशल बनाया गया है। ये देखो ये
अभी हम लोग का डिनर भी हो चुका है दोस्तों। तो आज का दिन जो है काफी अच्छा रहा, पहला दिन था मेरे ससुराल पे। तो कल जो है पूरा गांव दिखाऊंगा आप लोग को, आज तो नहीं दिखा पाया क्योंकि काफी थकान भी हो चुकी है मुझे। तो कल थोड़ा सा एनर्जी आ जाएगा तो पूरा गांव दिखा दूंगा, ठीक है, पूरा बांग्लादेश बॉर्डर सब कुछ दिखा दूंगा आप लोग को। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ।